अभी तक आपको पता चल ही गया होगा कि नासा भारत की स्पेस टेक्नोलॉजी के पीछे पड़ा हुआ है और नासा इसरो के मून पर साउथ पोल पर स्पेशली जो सॉफ्ट लैंडिंग है उसकी टेक्नोलॉजी को खरीदने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। लेकिन क्या आपको पता है कि भारत इससे भी सस्ती टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करा सकता है? क्या आपको पता है कि भारत की इस टेक्नोलॉजी के पीछे सिर्फ और सिर्फ नासा का ये मकसद है? एक वो अलग विषय है कि सॉफ्ट लैंडिंग कराना अपने आप में बहुत ही जटिल विषय है जिसकी टेक्नोलॉजी उनको चाहिए, लेकिन उससे ज़्यादा वो इंटरेस्टिंग है कि इतने ज़्यादा सस्ते में कैसे ये सब चीज़ें हो सकती हैं, कि इसरो इतने ज़्यादा सस्ते में कैसे सैटेलाइट्स बना रहा है, कैसे स्पेस व्हीकल्स बना रहा है, इन सब के पीछे नासा पड़ा हुआ है। लेकिन क्या आपको पता है कि भारत इससे भी बहुत ज़्यादा सस्ते में स्पेस लैंडिंग जैसी सुविधाएं, स्पेस क्राफ्ट, स्पेस स्टेशन, इनको बहुत सस्ते में बना सकता है? तो भारत क्यों नहीं ऐसा कर पा रहा है? भारत के आगे ऐसे क्या हर्डल्स हैं? एक बहुत ही चौंकाने वाला फैक्ट आपको मैं बता रहा हूँ। इसरो का सबसे पहली बात तो बजट, इसरो का जो बजट है 2023 में वो और कम कर दिया है, 8% उसे कम करके 12,543 करोड़ कर दिया है, ऑलमोस्ट 1.5 से 2 बिलियन के बीच में ये रहता है। वहीं अगर आप नासा का बजट कंपेयर करो वो तो 26 बिलियन डॉलर्स है, कहाँ 1.5 बिलियन और कहाँ पर 26 बिलियन डॉलर्स। दूसरी चीज़ है कि इंडिया में सबसे अच्छे जो आपके इंजीनियर्स निकलते हैं या साइंटिस्ट निकलते हैं वो निकलते हैं IIT से, और IITians कहाँ जा रहे हैं, उनको जाने का कहाँ से अच्छे ऑफर्स मिल रहे हैं? USA वगैरह से, कनाडा वगैरह से। कनाडा में ऑलमोस्ट नहीं मानता, लेकिन USA जैसे कंपनियाँ उनको हायर कर ले रही हैं। क्यों? ऐसा नहीं कि वो देश की सेवा नहीं करना चाहते या नहीं, क्योंकि उनको वहाँ पे पैकेज इतने मिल रहे हैं, वो लोग मजबूर हैं वहाँ जाने के लिए। अगर आप इसरो के चीफ की सैलरी देखें तो आज के टाइम में इसरो की चीफ की सैलरी ओनली 2.5 लाख रुपये है। हालांकि मैं मानता हूँ 2.5 लाख बहुत हैं, लेकिन आप जैसी पोजीशन पे हैं, भारत जैसे देश में, जो भारत ग्लोबली अभी आप देख रहे हैं कि कितना स्ट्रॉन्ग है, जियो पॉलिटिकल अगर आप इंडिया का पावर देखें तो कितना है, ऐसे में भारत के साइंटिस्ट का जहाँ पर दुनिया लोहा मान रही है और उसके चीफ का, इसरो जैसे चीफ का सिर्फ 2.5 लाख सैलरी होना, फिर उसमें से टैक्स कटना, बहुत सारी चीज़ें, बहुत अलग हो जाता है। ऐसे में जो नॉर्मल साइंटिस्ट हैं या वर्कर्स हैं वहाँ पर या इंजीनियर्स हैं, उनकी सैलरी मुश्किल से 90,000 या 1 लाख तक होती है। वहीं USA में उनको 1 करोड़ 2 करोड़ पर एनम पर साल के हिसाब से उनको वहाँ पे सैलरी मिलती है, तो वो उनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। तो ये इंडिया का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि उनको उतना ज़्यादा सैलरी नहीं मिल पा रहा है। एक गज़ब का फैक्ट ये है कि इसरो में, खुद ये इसरो के चीफ ने कहा है कि इसरो में IITians की जो संख्या है 1% से भी कम है। 1% से भी कम का मतलब आप समझ रहे हैं, ना के बराबर IITians, यानी कि आपके बेस्ट जो स्टूडेंट्स हैं वो आपके जो स्पेस सेंटर है, जो आपका बेस्ट सेंटर है, उसको ज्वाइन ही नहीं कर रहे हैं, वो ज्वाइन ही नहीं करना चाहते, वो इंटरेस्ट ही नहीं दिखा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनकी मजबूरी, एक्चुअल में उनको वहाँ उतना पैसा नहीं मिल पा रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। अगर आप एक डेटा देखें, अगर डेटा के अनुसार आप देखें तो 2033 तक इंडिया स्पेस मार्केट का, लगभग ग्लोबल स्पेस मार्केट का 8% कैप्चर करेगा, और 8% कैप्चर करने का मतलब है कि इंडिया आराम से 45 to 50 बिलियन डॉलर्स आराम से अर्न करेगा। लेकिन यही नंबर्स डबल हो सकते हैं अगर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में IITians ज्वाइन करें। इसको कुछ यूँ समझ सकते हैं, कुछ IITians जो इंडिया में ही रहना चाहते हैं और इंडिया में ही सेवा करना चाहते हैं वो दूसरा रूट चुनते हैं। आपने UPSC का डेटा देखा होगा, उसमें 70% से ज़्यादा जो नंबर्स हैं वो किससे, BTech बैकग्राउंड वालों से भर चुका है, यानी कि IAS ऑफिसर्स, जहाँ पर रिक्वायरमेंट है ही नहीं IITians की, या जो अच्छे कॉलेज से BTechs वगैरह करके आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो IAS ऑफिसर्स हैं वो देखा जाए तो टेक्निकल बैकग्राउंड वाले हैं, तो ब्यूरोक्रेसी कहीं ना कहीं टेक्नोक्रेसी बनते चले जा रही है। तो जहाँ पर IITians की ज़रूरत नहीं है वहाँ IITians जा रहे हैं, जहाँ पर IITians की ज़रूरत है वहाँ पर IITians नहीं जा रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न रह सकता है जो कहीं ना कहीं हमें थोड़ा सा पीछे करेगा, जहाँ कि हम बहुत जल्दी ओवरटेक कर सकते हैं, आपका नासा हो गया, जापान का स्पेस एजेंसी हो गया, वो यूरोपियन स्पेस एजेंसी हो गया। तो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं उनको UPSC अट्रैक्ट कर रहा है तो वो UPSC में चले जा रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको USA अट्रैक्ट कर रहा है तो वो USA में चले जा रहे हैं, बट इसरो को ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, उसका रीज़न यही है।
तो हमारे एजुकेशन सिस्टम में बहुत अच्छे बदलाव हुए हैं, वर्तमान सरकार ने काम भी अच्छे किए हैं, लेकिन मुझे लगता है यहाँ पर बदलाव करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वरना अगर आप UPSC को उनके लिए ईजी बनाएंगे तो वो UPSC में ही जाएंगे। तो आपको ईजी बनाना चाहिए उनके लिए, आपको फ्रेंडली बनाना चाहिए उनके लिए ISRO को, ताकि ISRO उनको अट्रैक्ट करे, ना कि UPSC उनको अट्रैक्ट करे। थैंक यू।